कटनी के ग्राम खोड़िया में गरीब महिलाओं के साथ पुलिस ने बर्बरता बल का प्रयोग किया है और जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो में दरोगा गरीब महिला के सर के बाल पकड़कर घसीटते हुए देखा जा रहा है। बता दें कि मानवाधिकार की बात करने वाला प्रशासन का चेहरा इस वीडियो में स्पष्ट दिखाई देता है। आपको बता दें कि मामला पुराना है, लेकिन इस कदर पुलिसिया आचरण वाला वीडियो अब सामने आया, जिसके बाद पुलिस कप्तान ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। तहसील बहोरी बंद का एक भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें पावर ट्रांसमिशन कंपनी को टावर लगाने हैं 132 केवी की लाइन के लिए। उसमें कुछ भूमियों का अधिग्रहण किया गया था, कुछ जगह पे टावर लग गए। एक जगह जो वीडियो में महिला दिख रही है, उसके द्वारा इस संबंध में टावर लगाने में काफ़ी विरोध किया गया था और कई बार समझाइश देने के बाद भी वो लगातार विरोध था, तो महिला पुलिस बल के द्वारा विरोध को शांत कराया गया, उसी से जुड़ा हुआ ये मैटर। माध्यम से मुझे यह वीडियो के बारे में बताया गया है, इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है वीडियो के भीतर कि जो तत्कालीन थाना प्रभारी थी उनके द्वारा बल प्रयोग किया जा रहा है। अभी हमारे पास कोई औपचारिक शिकायत तो नहीं आई है, हम इस मामले को देख रहे हैं वीडियो कब का है। अब चूँकि थाना प्रभारी को यहाँ से डिस्चार्ज भी यहाँ से हो चुकी है, उनका स्थानांतरण कहीं हो चुका है, तो इस मामले में हमें देखना पड़ेगा कि कब की घटना है, उसमें क्या हुए थे, आखिर बल प्रयोग की स्थिति क्या बनी, तो ये सारे चीज़ों को हम जांच में ले रहे हैं। और जो भी व्यक्ति इसमें पीड़ित पक्ष है वो भी आए तो अपनी बात सामने रखेंगे, तो इसमें और हम आगे बढ़ेंगे।